You can't. You are so tall that if I show you, then I can't see myself, and then when I show myself, then your head cuts off. So I have to do it like this. आज जो है सबा की मेहंदी का व्लॉग आया है शोएब इब्राहिम के चैनल पे एंड गाइस आई लव्ड इट. इतना अच्छा वो इतनी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस के साथ जो डेकोरेशन और कोई शो ऑफ नहीं कुछ नहीं. और हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू धने की दुनिया. कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह सभी ठीक ठाक. इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धने की दुनिया. एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइबर बट आर यू वेटिंग फॉर, गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. लेट मी नो कमेंट्स आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड टर्न ऑन द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियो की अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आज है इतवार और बहुत ज्यादा जो है ना लेजी मेरे लिए ये दिन है. एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे तो मैं बिजी रहती हूँ, नहीं टाइम मुझे मिलता है, इवन कि एक घंटा भी जाना है इधर उधर नहीं मिल पाता है. तो फिर सैटरडे को होता है, अगर मुझे दो दिन रिलैक्स की मिल जाए ना तो आई एम गुड टू गो ऑन मंडे. लेकिन अब क्या हुआ ना, इस बार के कल जो है मैं चली गई थी ग्रोसरीज के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा जो है ना इस वक्त थकी हुई हूँ. लाइक इतना थकी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती. मेरे ना ये हिस्सा, ये एकदम सारी गर्दन और ये सब तो ऐसा लग रहा है जैम हुआ है, दर्द काफ़ी है, उसकी वजह से सर में काफ़ी दर्द है. तो आई एम ऑल रेडी फॉर जिम. मैंने नहीं जाना था, मैंने सोचा था मैं घर पर रहूँगी, बट मैं लेकिन अब मैं जिम जाऊंगी क्योंकि जिम जाने से जाना ये जो जैम हुआ है ना मेरे शायद कंधे और ये सब, ये थोड़ा शायद मूवमेंट से खुले थोड़ा, और मेरी कमर बैठे बैठे जो है ना ऐसा लग रहा है अकड़ गई है. क्योंकि क्लासेस में 7-8 घंटे बैठना, 6-8 घंटे बैठना पड़ता है, फिर 4-5 घंटे आप वीडियोस दो तीन वीडियोस एडिट करके अपलोड करने में लग जाते हैं. तो दिन के जो है ना 10 घंटे से ज़्यादा मेरा बैठने में गुजरता है काम में, काम करते हुए. तो वो जो है ना मेरी कमर अकड़ा रहा है. तो मैंने ना इसलिए सोचा कि मैं, ये भी एक रीज़न है कि मैं जिम जाऊँगी, जो कि मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी जाना. लेजी पन और थकन इतनी है कि मैं नहीं चाहती हूँ जाना, लेकिन मेरे लिए ही अच्छा है कि मैं अगर जाऊँगी तो मेरी ज़रा ये जो क्या कहते हैं जाम हुए हैं ना थोड़े हिस्से, जैसे कमर अकड़ी हुई है या कंधे जाम हुए हुए हैं अकड़े हुए हैं, तो उससे जो है ना थोड़ा खुलेंगे और थोड़ी रिलीज होगी शायद पेन. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ, चाहे थोड़ी देर के लिए जाऊँ या थोड़ा सा करूँ, पर मैं जाऊँगी ज़रूर. तो मैं बस तैयार हो गई हूँ जिम के लिए और मैं जा रही हूँ. इस वक्त जो है ना शाम के मेरे ख्याल में 5 बजने वाला है. मैं काफ़ी लेट व्लॉग भी शुरू कर रही हूँ क्योंकि सारा दिन जो है ना मैं लेट उठी हूँ और बस कुछ नहीं किया, यानी कि लिटरली मैंने कुछ नहीं किया है, बस लेजी रही हूँ. तो बट नाउ मैंने अपने आप को आके गेट अप एंड डू समथिंग, यू हैव टू डू इट. तो नाउ मैं आई एम ड्रैगिंग माई सेल्फ आउट फ्रॉम दैट लेजीनेस एंड गोइंग टू द जिम ताकि मैं थोड़ा फ्रेश फील कर सकूँ. ये जी है हमारी फजर मैडम, रोबोट्स खेल रही थी और मैंने 62 डिलीवरीज किए गेम में और मुझे 2000 पैसे. हाँ, रोब्लॉक्स, मैं समझ नहीं आती है ये रोब्लॉक्स. सारा एनीवेज अभी तक नहीं आई है, वो आने वाली है, या तो मेरे निकलने से पहले आएगी या मेरे जाने के बाद आएगी. तो ये हमारी बिल्लियाँ, एक बिल्ली यहाँ पे है भाग गई और एक उधर है, वो गई मेरे कमरे. ए निकल, गई कमरे में. फजर इसको भला क्या कहती है, मेरा मोटा गंदा बच्चा बेबे. नहीं, मोटा गेंडा गंदा बच्चा बेबे. गंदा नहीं कहा, गंदा मैं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ मोटा गेंडा गंदा बच्चा बेबे. ऐसे ये है बड़ा क्यूटी पाए, सबसे कूटा है, सबसे फ्लफी और कुटी कुटी. चलो मैं जा रही हूँ, हाफिज. सारा नहीं आई अभी तक, तो मेरे जाने के बाद 1 घंटे तक आ जाएगी शायद. ठीक है, हो गई जिम से फारिग. पता है क्या है, जिम आना मुश्किल लगता है लेकिन एक बार जिम आ जाओ ना और जब शुरू करो तो थकन के साथ साथ एक रिलैक्सेशन मिलती है और बॉडी आपकी ना हल्का महसूस करती. दर्द तो होती है लेकिन एक वो जो स्टिफनेस होती है ना बॉडी की वो चली जाती है और हल्का महसूस होता है. तो मेरा अब इस वक्त जो है ना माइंड और बॉडी मेरा रिलैक्स हो गया, शुक्र है. वैसे मैं जिम आगे बढ़ना मैं नहीं आने वाली थी, बट याहिया ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम जाओ, तुम्हारे लिए ज़रूरी है ज़्यादा, फिजिकली भी
यानी कि जो मेरा काम रहता है हमेशा बैठने का, उसकी वजह से पता नहीं सारा घर आई है कि नहीं। तो उसके ये रहे, शायद आ गई है। अस्सलामुअलैकुम। हाय अल्लाह, इसको मेरी याद तो नहीं आती? मुझे याद आई थी। नहीं, झूठ झूठ बोल रही है ना? नहीं नहीं, अगर अगर देखे आपने कहा था कि हम आ जाके फोन करेंगी, अगर अगर मुझे रिमाइंड हो। फिर इसका मतलब मेरी याद नहीं है, इसलिए याद नहीं रहा। याद आई थी, मैंने मियाँ से कहा अगर वो मुझसे बात नहीं करेंगी फिर मैं कहूंगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को याद भी आ रही थी। ओ माँ शिदगे, तो फिर बात की थी उन्होंने? थोड़ी सी की थी। She doesn't like to talk. She doesn't like to talk that much. लेकिन गल में दर्द हो रही है। आपको भी, आनी को भी, आनी को जुकाम हो रहा है, आपको गले में दर्द हो रही है, कल स्कूल जाने का इरादा है ना? फजर फजर, आपको फ्लू हो रहा है, उसको गले में दर्द का, स्कूल का इरादा है ना? दर्द हो रही है और पेट में और नाक में। इसको भी तो गले में दर्द हो रही है, कल स्कूल का इरादा है कि नहीं ये पूछ रही हूँ। You want to go? Because I like going to school. I know you do. और सारा को भी स्कूल जाना अच्छा लगता है ना? आ करो ऊपर, चल ढक्कन। Feels kind of weird. Tell you that. Yeah. You guys. You are so tall that if I show you, then I can't see myself, and then when I show myself, then your head cuts off. So I have to do it like this. So I just wanted to say that thank you for forcing me to go to gym, because I do have pain, but I am feeling light in my mind and body. You're welcome. आज जो है सबा की मेहंदी का व्लॉग आया है शोएब इब्राहिम के चैनल पे, एंड गाइस आई लव्ड इट। इतना अच्छा, वो इतनी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस के साथ जो डेकोरेशन, और कोई शो ऑफ नहीं, कुछ नहीं, और जिस तरह से वो सब इकट्ठे हैं और जो ड्रेसेस पहने हुए हैं सब ने, सो डाउन टू अर्थ, सो सिंप्लिसिटी के साथ जो है ना, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने ये सब किया है, कैरी ऑन किया है। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा देख के, दिल को, यानी कि वो दिल इमोशनल सा हो रहा था कि अब कल का जो यानी कि व्लॉग होगा उसमें जो है उसकी विदाई दिखाएंगे, और दीपिका जितना उन सबसे प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है, और स्पेशली सबा और दीपिका का जो रिलेशन है, सब ऑब्वियसली शोएब और उनकी अम्मी और अब्बू और सबको तो फील होगा, लेकिन दीपिका जो है ना उसको भी बहुत फील होने वाला है। मैं तो कहती हूँ कि वो लोग जो हैं बहुत लकी होते हैं जिनकी दीपिका जैसी भाभी, दीपिका जैसी बहू, दीपिका जैसी बेटी होती है। वो हर चीज़ का ख्याल रखती है, जैसे कि वो एक वीडियो में भी जो सबा ने कहा ना कि भाभी जो है इतना सब हर चीज़ का ख्याल रखा, हर चीज़ उन्होंने खुद की फिक्र नहीं, खुद की तबीयत की फिक्र नहीं, खुद के खाने पीने की फिक्र नहीं, खुद के तैयार होने की, कपड़ों की कुछ फिक्र नहीं, और बस सबको उसकी शादी के लिए उन्होंने जो है ना सबसे पहले उसकी शादी के लिए सब किया, फिर उसके बाद जाके जब सब हो गया तो खुद का देखा है। और जिस तरह से वो सबका ख्याल रखती हैं, अपने आप को भूल के सबका ख्याल रखती हैं ना यार, इट्स कमेंडेबल कमेंडेबल कमेंडेबल, हैट्स ऑफ गाइस। आई जस्ट लव्ड इट, जो आज सबा की मेहंदी का जो व्लॉग था ना, और जो थीम था वो बहुत ही औसम था। क्या मेला थीम थी, मेहंदी मेला, मुझे बहुत अच्छा लगा। कि आई होप कि अगर कभी ऐसा मौका आए, यानी कि मेरी कोई फैमिली में मेरे किसी भाई या बहन की इस तरह से अगर शादी हो, तो मैं ये थीम मैं भी ट्राई करना चाहूँगी। लेकिन अगर ऐसा मौका आए तो अभी क्या पता कब आएगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, सारे छोटे हैं, तो फिर अभी थोड़ी होगा तो देखेंगे। लेकिन मुझे थीम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक मेला थीम जो था ना, एंड अगेन ब्यूटिफुल सिंपल एंड एलिगेंट, ब्यूटिफुल सिंपल एंड एलिगेंट, ये पूरी फैमिली जो है ना ब्यूटिफुल सिंपल और एलिगेंट है। बज चुके हैं, बजने वाले हैं एक्चुअली, आई थिंक 10:45 हो रहे हैं, बट या 10:45 हो रहे हैं। और मैं बिग बॉस जो है देख चुकी हूँ, और अब उसका रिव्यू भी कर चुकी हूँ, वीडियो बन चुकी है, बस एडिट करके अपलोड करना रह गया है।
तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को भी एंड करने से पहले कि मैं भूल जाऊँ, फिर अगला दिन हो रहा है तो फिर बिना एंडिंग के जो है मैं यानी कि ब्लॉग जाएगा, तो इसलिए सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से एंडिंग भी कर देते हैं इसकी, ताकि कल तक जो है जब ब्लॉग आए तो एंडिंग के साथ आए। तो बट देखो मैंने अभी तक जो है ना फ्रेशन अप भी नहीं हुई, जैसे ही मैं जिम गई थी अभी तक वैसे ही हूँ, अभी मुझे फ्रेशन अप भी होना है। एनीवेज तो मैं जो हूँ ना ये वीडियो जो यहीं पे खत्म करती हूँ, आप लोगों को मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धने की दुनिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे दिस, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, डू व्हाट यू वांट टू डू पॉजिटिव, बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।